नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सेंट्स इन हिंदी। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जो हम लोग एकदम एक बहुत बेसिक बिगिनर फ्रेंडली स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाले हैं। अगर आप अपना रेजिन आर्ट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे सिंपल चीज रेजिन के साथ बनानी है पोस्टर्स। एंड इस वीडियो में हम आपको एक बहुत सिंपल ट्यूटोरियल देंगे कि आप एक पोस्टर कैसे बना सकते हो हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। तो अगर आप अभी अभी रेजिन के साथ स्टार्ट कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको और बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल्स चाहिए तो हमारे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम और वीडियोज ऐसे बनाएंगे। हमारे स्टेप्स बताने के पहले और आपको क्या एग्जैक्टली करना है उसके अंदर जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा ये कोस्टर्स बनाने के लिए। तो पहले हमें हमारा हैक्सेंस का अल्ट्रा क्लियर रेजिन लगेगा। अगर आप वंडर कर रहे हैं कि हम लोग अल्ट्रा क्लियर रेजिन क्यों यूज कर रहे हैं हाई ग्लॉस की जगह, हमने इसके ऊपर हमारे दो रेजिन की वैरायटी के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। आप उसको अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अल्ट्रा क्लियर रेजिन कास्टिंग्स के लिए यूज होता है और हम लोग आज एक कास्ट पोस्टर बना रहे हैं, विच इज वाई हम लोग अल्ट्रा क्लियर रेजिन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो पिगमेंट्स यूज करेंगे, मेनली हमारे पर्ल पिगमेंट्स यूज करेंगे इन थ्री शेड्स। पहला हमारा अजोर ब्लू शेड है, द सेकेंड इज हमारा पेरीविंकल शेड, एंड द थर्ड इज हमारा स्पेशल गोल्ड शेड। हम लोग इन शेड्स के साथ शेडिंग करेंगे और इफेक्ट्स क्रिएट करेंगे। इसके अलावा आपको लगेंगे थोड़े से पेपर कप्स एंड आइसक्रीम स्टिक्स, रेजिन और हार्डनर को मिक्स करने के लिए, पिगमेंट्स ऐड करने के लिए, एक्सेट्रा। इसके अलावा आपको एक वेइंग स्केल की भी जरूरत होगी जो आप सिर्फ अपने रेजिन आर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करते हैं। रेजिन प्रोजेक्ट्स करने में वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि वेइंग और वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग ठीक से वे नहीं करते हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली रुइन हो सकता है। एक सेपरेट वेइंग स्केल में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत सारे वेइंग स्केल्स अवेलेबल है boriali.com पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग जो मोल्ड यूज करेंगे उसको हम लोग नैनीताल मोल्ड बुलाते हैं, और ये हमारे boriali.com वेबसाइट पर अवेलेबल है। जो पहला स्टेप आपको इम्पॉर्टेंट है करना जब भी आप अपना रेजिन प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, वो है एस्टिमेशन, यानी कि आपको कितना रेजिन और कितना हार्डनर यूज करना है आपको एस्टिमेट करना है। इसके लिए हम लोग ने एक बहुत सिंपल एंड इजी टू यूज ऐप क्रिएट किया है जो है boriali का रेजिन कैलकुलेटर ऐप। ये ऐप दोनों ऐप स्टोर और iOS ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रेजिन का क्वांटिटी एस्टिमेट कर सकते हैं। मैंने अपना रेजिन कैलकुलेटर ऐप अपने फोन में खोल दिया है। मैं ये एक सर्कल कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि एक अप्रोक्सीमेटली एक सर्कल है, और मैंने डाला है कि मैं अल्ट्रा क्लियर यूज कर रही हूँ कास्टिंग पर्पसेस के लिए। जो डायमीटर है इसका अप्रोक्सीमेटली 4 inches है, तो मैं यहाँ पर 4 inches डाल रही हूँ, एंड जो इसका थिकनेस है वो अप्रोक्सीमेटली 5 mm, तो मैं 5 mm यहाँ पर एंटर कर रही हूँ। उसके बाद मैं कैलकुलेट का बटन दबाऊंगी, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझको एक सोल्यूशन आ चुका है। टोटल आई विल नीड 40.5 grams ऑफ द मिक्सचर, 30.4 grams रेजिन और 10.1 grams हार्डनर। पहला स्टेप है आप अपने वेइंग स्केल को ऑन कीजिए और जो कंटेनर का वेट है उसको नलिफाई कीजिए ताकि कंटेनर का वेट इंक्लूड नहीं हो। तो आप देख सकते हैं मैंने जो कंटेनर का वेट है उसको नलिफाई कर दिया, तो इवन दो कंटेनर वेइंग स्केल पे है मुझको 0 grams ही दिखा रहा है। इसके बाद मैं अपना रेजिन पोर करने के लिए तैयार हूँ। एज हम लोग ने पहले मेंशन किया, हम लोग इस प्रोजेक्ट के लिए हमारा अल्ट्रा क्लियर रेजिन यूज करेंगे। तो ये हमारा अल्ट्रा क्लियर रेजिन है और ये हमारा अल्ट्रा क्लियर रेजिन का हार्डनर है। आप देख सकते हैं रेजिन के साथ काम करने से पहले मैंने अपने नाइट्राइल पाउडर फ्री ग्लव्स यूज कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग रेजिन के साथ काम करते हैं हम लोग ये ग्लव्स यूज करें। लेटेक्स ग्लव्स जो हम लोग यूज करते हैं या जो नॉर्मल डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज करते हैं उनमें कई बार पाउडरी कोटिंग होती है जो आपके प्रोजेक्ट को खराब कर सकती है, इसलिए हम लोग स्पेसिफिकली ये वाले ग्लव्स रेकमेंड करते हैं। तो नाउ दैट मेरा वेइंग स्केल रेडी है, मैं अपने रेजिन को पोर करने के लिए तैयार हूँ। मेरे को अकॉर्डिंग टू द ऐप मुझे 30 grams रेजिन यूज करना है, तो मैं ये रेजिन पोर कर रही हूँ। क्योंकि हम लोग इतने छोटे छोटे क्वांटिटीज का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं अच्छे से मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्स करने के लिए मैं ये आइसक्रीम स्टिक यूज करूंगी, एंड एटलीस्ट 3 to 4 minutes तक मिक्स करना बहुत जरूरी है।
जब आप मिक्स कर रहे हैं मेक श्योर कि आप साइड्स को स्क्रेप करें और एक फुल्ली होमोजीनियस मिक्सचर क्रिएट करें। जब आप ये मिक्स कर रहे होंगे आपको नोटिस होगा कि थोड़े से बबल्स भी होंगे इस मिक्सचर में। आप प्लीज उसके बारे में टेंशन मत लीजिए क्योंकि जब हम इनको पोर करेंगे तो ये बबल्स ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। अगर रेजिन और हार्डनर ठीक से मिक्स हो चुका है आप दूसरे कप्स लीजिए और अपने पिगमेंट्स को डिवाइड अपने रेजिन को डिवाइड कीजिए ताकि आप अलग अलग पिगमेंट्स उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास तीन कप दो कप मैं यूज करने वाली हूँ। तो मेरे तीन कप्स में मेरा पिगमेंट डिवाइड हो चुका है। तो पहला पिगमेंट जो मैं मिक्स कर रही हूँ वो है हमारा मेन कलर जो इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं वो है अजोर ब्लू। इतना पिगमेंट मैं अपने इस रेजिन में मिक्स कर रही हूँ। ऑलरेडी मुझको ये पर्ल पिगमेंट का पर्ली एंड सैटनी फिनिश दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पर्ल पिगमेंट का बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी बहुत लॉन्ग वे तक जाता है एंड एक बहुत ब्यूटीफुल सैटन फिनिश क्रिएट करता है। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ पेरीविंकल शेड, पेरीविंकल पर्ल पिगमेंट। अगेन बहुत थोड़ा क्वांटिटी, बहुत लंबे समय तक जाएगा आपके लिए। मुझको ये गोल्ड को थोड़ा बेस पर यूज करना था तो हम लोग थोड़ा सा गोल्ड पिगमेंट लेकर डायरेक्टली मोल्ड पर छिड़केंगे। और ऐसा हम लोग एक टेक्सचर फिनिश क्रिएट करेंगे। वी डोंट नो ये कैसा टर्न आउट होने वाला है बट रेजिन आर्ट इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन और हम लोग हमेशा इनकरेज करते हैं कि जो भी रेजिन आर्ट करे एक्सपेरिमेंट करे। उसके बाद हम लोग मैं थोड़ा सा स्पेशल गोल्ड पिगमेंट, बहुत थोड़ा सा स्पेशल गोल्ड पिगमेंट अपने बाकी के रेजिन में डाल रही हूँ जहाँ पर वाओ। इसको हम लोग जब ठीक से मिक्स करते हैं तो एकदम एक लिक्विड गोल्ड जैसा फिनिश आता है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम हमारे रेजिन प्रोजेक्ट के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर पहुंचे हैं जब हम हमारा एक्चुअल रेजिन पोर करते हैं हमारे मोल्ड के अंदर। ये मोल्ड मैंने प्रेप किया है बाय पुटिंग अ लिटिल बिट ऑफ गोल्ड पिगमेंट जैसे कि हम लोग ने आपको दिखाया एंड अब हम ये तीनों शेड्स को पोर करेंगे एंड फिर हम लोग उसको क्योर करने देंगे। ये कोस्टर मैंने थ्री हाफ्स में डिवाइड किया है, थ्री सेक्शंस में डिवाइड किया है जिसमें एक में मैंने हमारा अजोर ब्लू वाला रेजिन यूज किया है, एक में पेरीविंकल यूज किया है एंड लास्ट में मैं गोल्ड यूज करूंगी। अभी मैं इस रेजिन में थोड़े से इफेक्ट्स क्रिएट करूंगी। इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए आप आइस क्रीम स्टिक्स यूज कर सकते हैं स्वॉल्स क्रिएट करने के लिए या फिर जो मैं कर रही हूँ आप वो कर सकते हैं विच इज बेसिकली हल्की हवा आप इसके ऊपर ब्लो कर सकते हैं या तो हेयर ड्रायर के साथ ताकि एक बहुत एक अच्छा सा सेल्स क्रिएट हो और थोड़ा सा एक मिक्सचर बहुत स्मूथली हो।
ये हमारे कोस्टर को क्योर होने के लिए 24 आवर्स लगेंगे, जिसके बाद हम लोग उसके ऊपर फिनिशिंग टचेस डालेंगे। इसको क्योर होने के लिए हम लोग इसे कम्प्लीटली अनटच छोड़ेंगे, इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंड 24 आवर्स बाद हम लोग इसको डीमोल्ड करेंगे एंड आपको हमारा फाइनल प्रोडक्ट दिखाएंगे। तो गाइस 24 घंटे हो चुके हैं जब से हम लोग ने इस अल्ट्रा क्लियर रेजिन को कास्ट किया था एंड हमारा पोस्टर अभी रेडी है। आप देख सकते हो ये पूरा हार्ड हो चुका है, कम्प्लीटली क्योर्ड है एंड वी आर रेडी फॉर द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, दैट इज ये कोस्टर को डीमोल्ड करना। तो अभी हम लोग ये कोस्टर को डीमोल्ड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे यहीं पर ही छोड़ सकते हैं, दिस कैन बी द फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन हमारे पास एक बहुत कूल हाइलाइटर है जो हम लोग यूज करने वाले हैं हमारे एजेस को फिनिश करने के लिए। ये हाइलाइटर्स बहुत कूल लगते हैं आपको, अगर आपके रेजिन प्रोजेक्ट के एजेस को एजेस में एक मेटालिक फिनिश देना है या एक गोल्ड टच देना है तो ये हाइलाइटर्स आपके बहुत काम में आएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग हमारा ब्रॉन्ज हाइलाइटर यूज करने वाले हैं एजेस को कोट करने के लिए। सो हम लोग ये कैसे करने वाले हैं, हम लोग पहले मास्किंग टेप लेंगे और मास्किंग टेप से हमारे मेन एज को कवर करेंगे ताकि जो हम लोग हाइलाइटर जब लगाएंगे तब वो एजेस पर ना आए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मास्किंग टेप के साथ अपने कोस्टर के मेन एजेस को प्रोटेक्ट कर दिया है ताकि सिर्फ एजेस एक्सपोज हैं। अभी ये एजेस को मैं हाइलाइटर से पेंट करूंगी। लाइक वी मेंशन बिफोर, ये हाइलाइटर्स अभी तक रिलीज नहीं है लेकिन होपफुली बाय द टाइम दिस वीडियो कम्स आउट ये हाइलाइटर्स आपको हमारी वेबसाइट पर लाइव मिलेंगे। टू यूज दीज हाइलाइटर्स आप कोई भी पेंट ब्रश यूज कर सकते हैं इन हाइलाइटर्स के साथ और एजेस को कोट कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल प्रोसेस है लेकिन ये हम लोग जब ऐड करते हैं तो एक बहुत फिनिश्ड लुक देता है हमारे पोस्टर को और एंड एकदम प्रोफेशनल लगेगा हमारा पोस्टर क्योंकि हमारे एजेस बहुत फिनिश्ड लगेंगे। इन हाइलाइटर्स में हमारे पास काफी सारे शेड्स हैं, हमारे पास गोल्ड है, रोज गोल्ड है, ब्रॉन्ज है जो आप देख सकते हैं अभी जो मैं अभी यूज कर रही हूँ एंड उसके अलावा हमारे पास सिल्वर का भी शेड है। ये हाइलाइटर्स को ड्राई होने के लिए आपको अराउंड 15-20 मिनट्स लगेंगे क्योंकि हमारा रेजिन इतना स्मूद है, हो सकता है कि आपको दो कोट भी लगाने पड़े बट फॉर द मोस्ट पार्ट जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सिंगल कोट में ही एक काफी ओपेक फिनिश आ चुका है। डन, अभी मैं इसको सूखने के लिए छोड़ रही हूँ, उसको अराउंड 15-20 मिनट्स लगेंगे कम्प्लीटली ड्राई होने में। जब ये कोट ड्राई हो जाएगा तब हम लोग मास्किंग टेप निकाल देंगे और हमारा फाइनल रेजिन पोस्टर रेडी होगा। तो 10 मिनट हो चुके हैं एंड हमारा हाइलाइटर जो हमारा एजेस का पेंट हम लोग ने किया था वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है तो हम लोग मास्किंग टेप अभी निकालने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम ये निकाल रहे हैं और क्योंकि हम लोग ने मास्किंग टेप लगाया था हमारे एजेस फुली प्रोटेक्टेड है एंड एकदम एक नीट फिनिश आ रहा है। हमारा रेजिन कोस्टर अभी फुल्ली रेडी है। हम लोग ने ये ब्रॉन्ज हाइलाइटर डाला है एजेस में एंड जैसे हम लोग ने कि आपने हमको कल देखते हुए किया था ये एक बहुत बिगिनर फ्रेंडली पीस है। अगर आप आपका फर्स्ट रेजिन पीस बनाना चाहते हैं तो हम लोग रेकमेंड करेंगे कि आप ये पीस के साथ ट्राई कीजिए। वी होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आप भी रेजिन आर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सब जो भी हम लोग ने सप्लाईज यूज किए हैं इस वीडियो में वो boriali.com में अवेलेबल है और उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ये स्पेसिफिक कोस्टर बनाने के लिए हम लोग ने एक किट बनाया है ताकि आपको जो भी सप्लाईज लगनी है आपको एक ही किट में मिल जाए। इस किट का लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। वी होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कॉमेंट कीजिए और बताइए आपको और कौन से ट्यूटोरियल देखने हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग।